हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. दिस वीडियो इज़ फॉर स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट जीके. इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द चैप्टर्स ऑफ अवर जीके बुक. नाउ चैप्टर नंबर 18, हर्ब्स एंड स्पाइसेस. इस चैप्टर में हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और हर्ब्स और स्पाइसेस के बारे में हमें बताया गया है, यानी कि क्लूज दिए गए हैं. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से हर्ब्स है और कौन से स्पाइसेस है. सबसे पहले दिया है अ वेरी रेड स्पाइस ऑल्सो नॉन एज पेपरिका. तो वो क्या होता है, रेड चिली पाउडर जो रेड कलर का दिखता है, यानी कि स्पाइस, यानी कि एक मसाला है वो, और वो रेड कलर का दिखता है, और जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पेपरिका भी बोल सकते हैं. दूसरा है द साउथ इंडियंस यूज देम टू फ्लेवर ऑलमोस्ट ऑल देयर डिशेस. यानी कि जो साउथ इंडियन लोग हैं उनकी जो डिशेस होती है उनको फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं. तो वो क्या होता है, मस्टर्ड सीड्स. देन थर्ड है अ वेरी कॉस्टली स्पाइस विद अ लवली फ्लेवर एंड एरोमा. यानी कि ये जो स्पाइस है वो क्या कॉस्टली होता है बहुत ही ज़्यादा, और उसकी जो फ्लेवर है बहुत ही लवली होती है, और कलर भी बहुत अच्छा आता है. तो वो क्या होता है, सेफ्रॉन. देन फोर्थ नंबर पे है फ्रेश ग्रीन लीव्स ड्राइड एंड यूज टू फ्लेवर बोथ करीज एंड ड्राई डिशेस. तो ये क्या है, कसूरी मेथी, उसको ड्राई करके फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया जाता है. देन अ ब्राइट येलो स्पाइस विथ ग्रेट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. एक तो क्या है, ये स्पाइस के लिए यूज़ होता है, यानी कि खाना बनाने में भी यूज़ होता है, और दूसरा क्या है, एंटीसेप्टिक, यानी कि अगर आपको कहीं पे कट हुआ हो या लगी हो तो अगर आप उसको लगा दो तो उसकी वजह से है वो जख्म है वो भर जाता है, वो एंटीसेप्टिक होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है. तो वो क्या है, टर्मरिक. देन दिया है सिक्स नंबर पे ड्राइड अनओपन्ड फ्लावर बर्ड्स यूज टू फ्लेवर पुलाव्स एंड बिरयानीज. तो ये क्या है, क्लॉव्स, वो कैसे दिखता है, बर्ड्स है जो अनओपन रहे हैं, यानी कि उसमें से फ्लावर नहीं बना है, और उसको ड्राई करके हम क्लॉव्स की तरह यूज़ करते हैं. देन सेवन नंबर पे है नेटिव टू साउथ इंडिया, इट इज़ ड्राइड एंड ग्राउंड फॉर इट्स फ्लेवर एंड टू बी यूज एज अ मेडिसिन. को फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ करते हैं और मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे पेट दर्द हो तो उसमें हम ये उसको एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं. तो ये क्या है, पेपर कॉर्न्स. फिर है दिस स्पाइस इज यूज टू फ्लेवर स्वीट डिशेस कॉफ़ी एंड टी. हम कॉफ़ी टी और जो स्वीट्स बनाते हैं, शीरा है या तो दूसरे स्वीट, उसमें यूज़ कर सकते हैं. तो ये क्या है, कार्डमम, यानी कार्डमम, इसको हम क्या बोलते हैं, इलायची. देन है इट इज़ यूज एज डेलिकसी स्पाइस और मेडिसिन. इसकी वजह से ये मतलब स्पाइस में यूज़ होता है और मेडिसिन में भी यूज़ होता है. तो ये क्या होता है, जिंजर, डेलिकसी, यानी कि इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है. तो ये थे कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस. नाउ चैप्टर नंबर 19, उसमें क्या दिया है, बोन्जाई आर्ट ऑफ ड्वार्फिंग प्लांट्स. यानी कि जो बोन्जाई होता है वो क्या होता है, प्लांट्स को ड्वार्फ करने की आर्ट होती है. सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है कि द आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर ट्रीज इज कॉल्ड बोन्जाई. यानी छोटे छोटे जो ट्रीज है उसको ग्रो करने की जो आर्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, बोन्जाई. अंडर दिस आर्ट स्मॉल ट्रीज आर ग्रोन इन कंटेनर्स सच एज पॉट्स एंड ट्रेस. यानी कि किसमें हम उगाते हैं, पॉट होते हैं उसमें, और ट्रे में छोटे छोटे ट्रीज को ग्रो किया जाता है. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज. यानी कि यहाँ पे आपको नीचे लेटर दिया है, उनको अरेंज करना है ये ट्रीज का नाम बताने में. तो जो फर्स्ट है वो क्या है, बोगनवेलिया है. तो हमें अगर ये वर्ड्स है उसको अरेंज करेंगे तो उसका राइट नेम मिल जाएगा. देन सेकंड है जूनिपर. फिर थर्ड पे है ब्लैक पाइन. फोर्थ नंबर पे है वेपिंग पाइन. और फिफ्थ नंबर पे है पेंडेनस यूटिलिस. देन सिक्स नंबर पे है हेवेलियन अम्ब्रेला ट्री. देन है जिंको. और लास्ट में है चाइनीज बनियन. देखो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे, छोटे से पॉट में या तो ट्रेज में उगाए जाते हैं. तो इसे क्या बोलते हैं, यार्ट को बोन्साई. नाउ चैप्टर नंबर 20, इसमें हमें मेथ द फॉलोइंग दिया गया है और किसके बारे में है, ये प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट.
तो प्लांट्स और एनवायरनमेंट के बारे में जो कुछ बातें हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले देखो कि पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन को हम ई वाले पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे कि क्या है। पॉल्यूशन है द प्रेजेंस इन और इंट्रोडक्शन इन टू द एनवायरमेंट ऑफ अ सब्सटेंस और थिंग दैट इज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन इट। यानी कि एनवायरमेंट में कोई भी ऐसा सब्सटेंस एंटर हो जो उसको हार्मफुल करता है तो वो क्या होता है, पॉल्यूशन। देन हैबिटेट, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, तो उसमें क्या है, एच नेचुरल एनवायरमेंट फॉर अ प्लांट और एनी अदर लिविंग बींग। यानी जो जैसे कि मंकी है तो वो कहाँ पे रहता है, ट्री पे, तो उसका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। यानी कि वहाँ पे उसको उसकी सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें वो अच्छी तरह से रह पाए। नाउ थर्ड है एटमोसफियर। तो एटमोसफियर क्या होता है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ एंड कंटेन्स गैसेस नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स। जो अर्थ में, अर्थ के आजू बाजू यानी कि सराउंडिंग है एयर का, और दूसरा उसमें क्या है, कंटेन्स गैसेस नेसेसरी फॉर प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जितने भी गैसेस रिक्वायर्ड है उनका वो मिक्सचर है। देन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमोसफियर इन विच लिविंग बींग्स एग्जिस्ट। जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है वो जो अर्थ का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरमेंट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन एक्सेट्रा। यानी कि मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट क्लाइमेट को अडेप्ट करने में, तो कंटिन्यूअसली जो मॉडिफिकेशन होता है अडेप्टेशन होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उन्हें क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन। फिर है वेडिसाइड, वेडिसाइड्स क्या होते हैं, तो अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग अनवांटेड प्लांट्स। वीड क्या होता है, जो आप प्लांट ग्रो करते हो उसके साथ जो दूसरा जिसको हमने उगाया भी नहीं है वो अनवांटेड प्लांट है वो निकल जाता है, तो उसको किलिंग करने के लिए, दूर करने के लिए जो सब्सटेंस या केमिकल यूज होता है हम क्या बोलते हैं, वेडिसाइड। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, द वार्मिंग ट्रेंड इन द लोअर एटमोसफियर ऑफ द अर्थ दैट अकर्स वेन द एटमोसफियर ट्रैप सोलर रेडिएशन। यानी कि एटमोसफियर है वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके रखता है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन कंजर्वेशन, वॉट इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स द एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग। यानी प्रिजर्व करके रखना है, संभाल के रखना है, प्रोटेक्ट करना है किसको, प्लांट स्पीसीज फ्रॉम हार्म एंड डिस्ट्रक्शन। यानी कि जो स्पीसीज है प्लांट की, अलग अलग प्लांट्स है, वो डिस्ट्रक्ट ना हो जाए, हार्म ना हो जाए, उसको संभाल के रखने को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। नाउ एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, पहले तो स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज यानी कि एक एनिमल्स का ग्रुप, जैसे कि लायन है, जितने भी टाइप के लायन है वो किस में आएंगे, लायन के स्पीसीज में। तो ये इनडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, अ प्लांट और एन एनिमल स्पीसीज दैट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने साइंस में पढ़ा है, एक्सटिंक्ट यानी क्या होता है, जिसका कोई भी पर्सन या तो मेम्बर अभी, जैसे कि डायनासोर है वो भी अर्थ पे नहीं है, तो वो कौन सी स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट। और एंडेंजर्ड क्या होती है, जो एक्सटिंक्ट यानी कि गायब होने आई है वो वाली, यानी कि डेंजर में है। तो ये था प्लांट्स और एनवायरनमेंट के बारे में। नाउ चैप्टर नंबर 21 एनिमल्स वर्ल्ड, तो एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट है द लार्जेस्ट अलाइव बर्ड, यानी कि जो सबसे बड़ा जो बर्ड है वो क्या है, ऑस्ट्रिच। देन सेकंड है द स्मॉलेस्ट अलाइव बर्ड इज, जो बड़ा है वो ऑस्ट्रिच और सबसे छोटा है वो हमिंग बर्ड। देन एन ऑक्टोपस हैज ब्लैंक आर्म्स, ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं, 8 आर्म्स। द फास्टेस्ट मूविंग लैंड स्नेक इन द वर्ल्ड इज ब्लैक मैम्बा, तो जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चलता है वो क्या है, ब्लैक मैम्बा। अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी इन विंटर बाय सम एनिमल इज नोन एज हिबरनेशन, यानी कि जो विंटर में कुछ एनिमल्स है वो डोरमेंट यानी कि रहते हैं, जहाँ पे डोरमेंट रहते हैं तो वो जो पीरियड है उसे क्या बोला जाता है, हिबरनेशन। देन सिक्स नंबर पे है एनिमल्स हैविंग बैकबोन इज नोन एज, एनिमल का जो बैकबोन होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। द
देन सेवन नंबर पे है अ स्मॉल फिश हैविंग इट्स हेड लाइक अ हॉर्स। ऐसी फिश जो स्मॉल है और उसका हेड कैसा है, हॉर्स के जैसा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी हॉर्स। जैसे यहाँ पे आपको सी हॉर्स की पिक्चर दी गई है, जैसे हॉर्स जैसा उसका हेड होता है और होती क्या है वो फिश, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सी हॉर्स। फिर है एग लेइंग मैमल इज कॉल्ड, यानी ऐसा मैमल जो एग ले करता है वो क्या होता है, मोनोट्रेमस। नाइन नंबर पे दिया है द लार्जेस्ट कांगारू इन द वर्ल्ड, कौन सा है, रेड कांगारू। देन टेन नंबर पे है द बर्ड विच लेज मोर देन 100 एग्स इन वन नेस्ट, यानी कि एक ही नेस्ट में वो 100 से भी ज़्यादा एग को ले कर सकता है, वो क्या है, ऑस्ट्रिच। देन द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, जो फ्लाई कर सकता है वो मैमल कौन सा है, बैट, यानी कि चमगादड़। द फर्स्ट विच इज नोन एज द किंग ऑफ फिशेस, यानी कि जो किंग है फिश के वो क्या है, शार्क। तो ये है एनिमल्स वर्ल्ड के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताई गई है, द ओनली इंसेक्ट दैट कैन टर्न इट्स हेड अप टू 360 डिग्रीज इज द प्रेइंग मैंटिस। वो अपना हेड है वो पूरा का पूरा राउंड है, उसको टर्न कर सकता है, तो वो कौन सा इंसेक्ट है, प्रेइंग मैंटिस। नाउ चैप्टर नंबर 22, उसमें क्या दिया है आपको, बिग कैट्स, यानी कि कैट की जो स्पीसीज है, अलग अलग टाइगर है वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है एन एंगीमैटिक एंड एल्यूजिव फॉरेस्ट प्रेडेटर, तो वो क्या है, एशियाटिक गोल्डन कैट। देन सेकंड दिया है दिस मेंबर ऑफ द लिंक्स फैमिली ओज इट्स नेम टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्टम्पी टेल, उसकी जो टेल है वो बिल्कुल छोटी है, आपको दिखाई दे रही होगी, तो वो क्या होता है, बॉबकैट। फिर है इट इज़ फाउंड वाइडली इन साउथ ईस्ट एशिया, तो वो क्या है, एक लेपर्ड है, कौन सा, क्लाउडेड लेपर्ड। देन इट इज़ क्लासिफाइड एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल, सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, चीता। देन इट इज़ यूजुअली फाउंड इन साउदर्न एंड ईस्टर्न एशिया, तो वो होता है नॉर्मल आपका जो टाइगर है वो। थर्ड लार्जेस्ट बिग कैट इन द वर्ल्ड, इट एन्जॉय स्विमिंग, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट बिग कैट है और वो स्विम भी कर सकती है, तो वो क्या है, जेगुआर। देन इट लिव्स इन द माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया, और मोस्टली वो मतलब स्नो में रहता है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, स्नो लेपर्ड। देन इट इज़ द मोस्ट सोशली इंक्लाइड ऑफ ऑल बिग कैट्स, यानी सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, बिग कैट्स में जो सोशली इंक्लाइंड है वो लायन है। लास्ट में दिया है ऑल्सो नोन एज द प्यूमा, इट इज़ नेटिव टू द अमेरिकाज, वो अमेरिका का है, तो वो क्या है, कॉगर। यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको बिग कैट्स के बारे में बताया गया है। नाउ चैप्टर नंबर 23, नेशनल एनिमल्स ऑफ डिफरेंट नेशन, अलग अलग नेशन का जो नेशनल एनिमल कौन है, जैसे कि हमारा इंडिया, इंडिया का क्या है, टाइगर, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट नेशन के डिफरेंट नेशनल एनिमल्स कौन से है। सबसे पहले है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का क्या है, रूफस बोर्नेरो। देन भूटान, भूटान का कौन है, टैकिन। फिर थर्ड दिया है बेल्जियम, तो बेल्जियम का नेशनल एनिमल है लायन। फोर्थ है कोलंबिया, कोलंबियन का है इंडियन कॉन्डर। फिर है फिफ्थ नंबर पे इजिप्ट, तो इजिप्ट का है स्टेप एगल। फिर जर्मनी, जर्मनी का क्या है, द एज ईगल, सॉरी द ईगल। फिर है इंडिया, इंडिया का तो आपको पता है रॉयल बंगाल टाइगर। देन है आयरलैंड, आयरलैंड का कौन सा है, द रेड डियर। फिर जॉर्डन, जॉर्डन का है अरेबियन ऑरेक्स। फिर नेपाल का एनिमल है वो काउ। पाकिस्तान का है मैखोर। फिर रशिया का नेशनल एनिमल है रशियन ब्राउन बियर। देन यूनाइटेड अरब अमीरात्स का जो है वो है पेरेग्रीन अरेबियन ऑरेक्स। नाउ 14 नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का है बैल ईगल। और लास्ट में है जाम्बिया, तो जाम्बिया जो कंट्री है उसका नेशनल एनिमल है अफ्रीकन फिश ईगल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेशन के डिफरेंट डिफरेंट नेशनल एनिमल्स आपको दिए गए थे। नाउ चैप्टर नंबर 24, उसमें आपको बताया गया है स्लीदरिंग स्नैक्स के बारे में, तो जो अलग अलग स्नैक्स है उनका नाम क्या है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे स्ट्राइप लाइक इट्स फेलिन नेमसेक, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। वो कैसा दिखता है, देखो वो टाइगर जैसा दिखता है, इसके लिए उसका नाम क्या है, टाइगर स्नैक।
फिर है इट हैज़ हॉर्न्स ओवर द आइस, उसकी आइस पे हॉर्न्स होते हैं, तो हॉर्न्स मेक इट इजीली रिकॉग्नाइजेबल, तो उसकी वजह से वो मालूम पड़ जाता है कि कौन सा है ये, डेजर्ट हॉर्न वाइपर। फिर है हाईली विनोमस, इज टिपिकली फिट्स ऑन अदर स्नैक्स लिजार्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स, वो दूसरे स्नैक्स लिजार्ड्स और मैमल्स पे फीड करता है, तो वो क्या है, कॉमन क्रेट। दिस ब्यूटिफुल बट डेडली स्लिदर इज फाउंड इन अफ्रीका, यानी कि वो ब्यूटिफुल होता है, क्या है वो, बोम स्लैंग। फिफ्थ नंबर पे है इट इज़ फाउंड इन साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको, तो वो मैक्सिको और US में दिखाई देता है, टाइगर रेटल स्नैक। फिर है इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेनोमस स्नैक इन अफ्रीका, तो वो कौन सा है, ब्लैक मैम्बा। फिर है फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ द सेकंड मोस्ट विनोमस टेरेस्ट्रियल स्नैक इन द वर्ल्ड, तो उसका नाम है ईस्टर्न ब्राउन स्नैक। फिर एट नंबर पे दिया गया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरियस स्नैक्स इन ऑल ऑफ एशिया, तो वो क्या है, रसेल्स वाइपर, एशिया का सबसे डेंजरियस स्नैक है। नाइन नंबर पे दिया है इट लिव्स इन द डेजर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको, वो डेजर्ट में रहता है, उसका नाम है साइड वेंडर रेटल स्नैक। तो ये आपको यहाँ पे 9 अलग अलग स्नैक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ 25 नंबर का जो लेसन है वो क्या है, सिंबॉलिक एंड अदर बर्ड्स, यानी कि कुछ बर्ड्स है वो किसी चीज़ के वो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, साइन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्रेंस, मतलब कि वो क्या है, क्रेंस आर हेल्ड इन हाई एस्टीम ऑल ओवर एशिया एंड एडोर्ड एज अ सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ, वो है लॉन्ग लाइफ के सिंबल माने जाते हैं क्रेंस, जैसे यहाँ पे उसकी पिक्चर भी दी गई है। देन सेकंड है ब्लैंक आर सिंबल ऑफ लव एंड पीस, तो लव एंड पीस का सिंबल क्या है, डव। देन ब्लैंक आर सेड टू प्रेडिक्ट डिजीज एंड डेथ, यानी कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिजीज और डेथ का, वो क्या होते हैं, रेवेंस। देन है ब्लैंक इज अ मिथिकल बर्ड दैट सिंबलाइजेस इमोर्टालिटी, इट इज़ बिलीव दैट इट डाइज बाय फायर एंड राइजेस अगेन फ्रॉम इट्स ओन एशेस, यानी कि वो फायर से डाई मतलब मर जाते हैं और फिर उसकी जो ऐश होती है उसमें से फिर से वो जिंदा होते हैं, ऐसा माना जाता है, वो तो क्या है, फेनिक्स। देन फिफ्थ नंबर पे दिया है ब्लैंक आर कंसिडर्ड टू बी द प्रॉफेट्स ऑफ डूम इन मैनी कंट्रीज, द होटिंग ऑफ द बर्ड इज डिम्ड एज अ वार्निंग ऑफ डेथ, यानी कि वो डेथ का साइन माना जाता है, वो क्या है, आउल्स। फिर दिया है आपको ब्लैंक आर बिलीव्ड टू बी सेक्रेड बाय नेटिव अमेरिकन्स, दे सिंबलाइज इंडिपेंडेंस करेज एंड एंड्योरेंस, इसका इंडिपेंडेंस करेज एंड एंड्योरेंस का जो सिंबल है वो क्या है, ईगल। देन ब्लैंक आर कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ गुड लक, गुड लक का सिंबल क्या है, स्टॉक्स। नाउ यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स के नेम दिए गए हैं और नीचे ट्रू फॉल्स, अरे सॉरी, वो आपको पहचानना है, मैच करना है कि कौन सा बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। जैसे कि फर्स्ट दिया है आई फ्लाई विथ माई माउथ ओपन टू कैच स्पाइडर्स एंड अदर इंसेक्ट्स, आई ड्रिंक बाथ एंड कलेक्ट फूड वाइल फ्लाइंग, तो वो कौन सा है, वो है स्विफ्ट। वो क्या करता है, वो स्पाइडर को अपने माउथ से कैच कर सकता है इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स को, और ड्रिंक कर सकता है, बात कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है फूड को उड़ते उड़ते ही। आई फ्लाई अक्रॉस द सहारा डेजर्ट एंड माइग्रेट टू अ डिस्टेंस अप टू 10,000 किलोमीटर, तो वो कौन सा बर्ड है, वो है स्वेलो। वो क्या कर सकता है, 10,000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक माइग्रेट कर सकता है। आई हैव अ यूनिकली शेप्ड बिग टू कैच फूड, यानी उसको फूड कैच करने के लिए एक स्पेशली दिया गया है, तो वो कौन सा है, स्पून बॉल, उसकी जो पिक होती है वो स्पेशली डिजाइन की गई होती है बिग। देन आई एम क्लेवर एंड नॉटी एंड स्टील एग्स फ्रॉम अदर बर्ड्स, यानी कि मैं क्लेवर हूँ, नॉटी हूँ और क्या करता है, वे जो बर्ड है वो दूसरे बर्ड्स के नेस्ट से है वो एग्स चोरी करता है, तो वो कौन है, मैगपाई, जिसे हम कोयल भी बोल सकते हैं। फिर आई हैव अ हिंग बिग विच हेल्प्स मी टू कैच फिश वाइल कीपिंग अ ग्रिप ऑन द वर्न्स विच आई हैव ऑलरेडी ट्रैप्ड, तो ये कौन सा है, ये है पफिन। पफिन क्या कर सकता है, फिश को कैच कर सकता है अपने बेक से वाइल कीपिंग अ ग्रिप, यानी कि जब वो वहाँ पे खड़ा होके एक जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ जैसे खड़ा है वहाँ पे खड़े रह के वो फिश को कैच कर सकता है। आई यूज़ माई बीक लाइक अ सो टू कट थ्रू अ लार्ज फ्रूट, यानी कि उसकी जो बिक है उसकी जो चोंच है उसको क्या कर सकता है, कट करने के लिए यूज़ कर सकता है लार्ज फ्रूट को।
तो वो कौन सा है, वो है टोकन। अब यहाँ पे आपका जो लास्ट लेसन है 26 नंबर का, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका लास्ट लेसन है, तो वो है इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि जो एनिमल्स डेंजर में हैं उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि मॉडरेटली लार्जर देन अ कैट, कैट से वो बड़ा है। इट इज़ फाउंड मेनली ऑन द माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। इट्स वोकलाइजेशन इंक्लूड्स हिजेस, चफिंग, मूइंग, ग्रोल्स एंड वेलिंग। ये उसकी वोकलाइजेशन यानी कि बोलना, आवाज करना होता है। वो चफिंग करता है, मूइंग करता है, ग्रोल्स करता है, वेलिंग करता है। तो ये क्या है, स्नो लेपर्ड है। फिर है दूसरा, फाउंड मोस्टली इन साउदर्न यूरोप्स एबेरियन पेनेजुएला पेनेंसुएला। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड कैट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो ये क्या है, आइबेरियन लिंक्स उसका नाम है। थर्ड दिया गया है, दिस शाय एनिमल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ फाउंड द साउदर्न एंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो क्या है, रेड फॉल। कहाँ पर पाया जाता है, साउदर्न एंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स में। फोर्थ नंबर पे है, द इंडेंजर्ड एनिमल्स इज फाउंड मेनली इन मार्शी वेटलैंड्स इन केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर, इंडिया। इट इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। मणिपुर का स्टेट एनिमल्स क्या है, सेंगाई, यानी उसका दूसरा नाम क्या है, एंटलर्ड डियर। नाउ फिफ्थ नंबर का हम देखेंगे, अ लार्ज डार्क कॉटेड फॉरेस्ट एनिमल ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड कैटल। ये क्या होती है, इंडियन बाइसन, जैसे एक वन टाइप की बफेलो होती है। फिर सिक्स नंबर पे है, दिस इज लार्ज कैमल। और एक कैमल देखो आप, देखो दिखाई दे रहा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ओनली अबाउट 950 ऑफ सच कैमल्स हैव सर्वाइव्ड इन देयर नेटिव डेजर्ट हैबिटेट और नॉर्थ वेस्ट चाइना और मंगोलिया। उसका जो हैबिटेट है वहाँ पर कितने बचे हैं, सिर्फ 950 बचे हैं। ये क्या है, बैक्टेरियन कैमल। सेवन नंबर पर, इट इज़ अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड मंकी फाउंड इन नॉर्दर्न कोलंबिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुएला। इट यूजेज इट्स लॉन्ग टेल फॉर ग्रास्पिंग ऑलमोस्ट एज अ फिफ्थ लिम्ब, यानी कि वो अपनी जो टेल है उससे वो कैच कर सकता है, ग्रास्पिंग कर सकता है। तो वो कौन सा मंकी है, ब्राउन स्पाइडर मंकी, वो भी इंडेंजर्ड है। इट इज़ अ ब्लैक फर्ड गिबन नेटिव टू द फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा मलेशिया एंड थाईलैंड। इट इज़ इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ पॉचिंग एंड हैबिटेट लॉस। वो कहाँ पर दिखाई देता है, मलेशिया, थाईलैंड, सुमात्रा में। और वो क्यों इंडेंजर्ड है, पॉचिंग यानी कि मार देने की वजह से, और उसका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है इसीलिए। तो ये क्या है, साइमंग। तो यानी ये 8 अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स है जिसकी स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड हो रही है। तो यहाँ पे आपका जीके है, वो जो फर्स्ट सेम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।